तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फोन है Realme 5S, इस फोन के अंदर जो इसका कैमरा है इसका टेस्ट करने वाले हैं हम कि कौन कौन सा कैमरा आपका वर्क करता है। जो पहला कैमरा है आपका 48 मेगापिक्सल का है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे आपका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे आपके हैं। तो इन्हीं कैमरे को हम करेंगे टेस्ट कि आपका इनमें से कौन सा कैमरा वर्क करता है, क्या वर्क करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है, आप नॉर्मल कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल कैमरा है इसके अंदर जो है आपका 48 मेगापिक्सल का जो आपका पहला कैमरा है उसके अंदर जो क्वाड कैमरा सेंसर है, जो आपके जो सेंसर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, मेनली सेंसर्स के लिए यूज़ करा जाता है। मैं देख ले तो पहले कैमरे पे अपना हाथ रखता हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा ये वर्क कर रहा है, मतलब ये जो है जो सेंसर का वर्क है वो सही है, तो आपका जो कैमरा है ये एक्टिव है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो सेकंड कैमरा है वो देख लेते हैं वो वर्क करता है कि नहीं, जो है हमारा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है सेकंड वाला, वो देख लेते हैं वो क्या है। वो माइक्रोमीटर का हमारा कैमरा है, माइक्रोमीटर छोटे से डिस्टेंस को कवर करता है। तो देख सकते हैं ये जो 48 मेगापिक्सल का है जो माइक्रोमीटर का कैमरा, वो हमारा जो ये नीचे वाला जस्ट कैमरा जो है ये वर्क कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा जो लास्ट जो हमारा जो तीसरा है जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उस पर और चेक कर लेते हैं। 2 मेगापिक्सल के कैमरे पे देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है, आपका जो माइक्रो जो अल्ट्रा वाइड होता है जैसे भी आप देख सकते हैं नॉर्मली है, अगर हम अल्ट्रा वाइड में करें तो वो वाला कैमरा जो है दूसरा वाला कैमरा वर्क करता है। तो मैंने ये करके नहीं दिखाया है जिसकी वजह से ये वाला कैमरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाद में मैंने जब टेस्ट किया तो ये कैमरा भी वर्क कर रहा था। जो हमारा लास्ट का कैमरा है जो 2 मेगापिक्सल का, वो है वो किस चीज़ के लिए, वो है अल्ट्रा माइक्रो के लिए। तो मैं मोर के अंदर चला जाता हूँ, इसमें जो अल्ट्रा माइक्रो का ऑप्शन है इस पर कर देता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम हमारे जो लास्ट वाले कैमरा है उसके ऊपर रख लेते हैं, एक बार उंगली लगा के मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस पर फिंगर लगाया और इससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये जो अल्ट्रा माइक्रो कैमरा है ये भी वर्क कर रहा है। आपके फ़ोन में चारों कैमरे वर्क कर रहे हैं ये है इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।